हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके। सो अभी जो ट्रैक हम सुनेंगे उसका नाम है इन लोग ने मारे बाई एमसी स्टैन। और सबसे पहले तो आज स्टैन का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू एमसी स्टैन एंड होप ही गेट ऑल द सक्सेस दैट ही डिजर्व। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट है। एंड टू ऑल द एमसी स्टैन फैंस, टू ऑल द पुणे पीपल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्टेड अ बैंग। बिफोर द ट्रैक लेट्स टॉक अबाउट द थंबनेल। यार कितना तगड़ा थंबनेल है, ब्लेड मुंह से निकाल रहा है, हाथ पे खून लगी हुई है, पीछे फुल पावर में लड़ाई चल रही है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट यार, लेट्स सी। क्लोज कैप्शन सबटाइटल्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है यार, काफी टाइम हो गया अभी तक। जीनियस पे तो आ ही गया होगा, लेट मी सर्च फॉर इट। दो मिनट भाई, दो मिनट, लेट मी सर्च फॉर इट बिकॉज अगर लिरिक्स आ जाते हैं तो काफी इजी हो जाता है। व्हाट वाज द नेम, इन लोग ने मारे बाय एमसी स्टैन। ओके यस, आ चुका है, आ चुका है। थोड़ा पीछे चलते हैं, लिरिक्स अब हाथों में है तो अब फोकस करते हैं गानों पे। लेट्स स्टार्ट इट। बैंग। छीनाल के पाड़े मीन्स ये जो लॉन्डे हैं जो हमसे भिड़ना चाहते हैं, वी आर आस्किंग फॉर देयर एड्रेस और ये एड्रेस हमें नहीं दे पा रहे हैं। इनकी इतनी ज्यादा फटी हुई है ब्रो, दिस इज समथिंग डिफरेंट ब्रो, दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर श्योर। ये जो साउंड है ना जो एमसी स्टैन लेके आता है ये कुछ अलग है यार। अगर ये लिरिक्स यहाँ पे खुला हुआ नहीं रहता, माँ की कसम भाई, मैं ये दूसरा जो कोरस का दूसरा पार्ट था मुझे रद्दी भर समझ में नहीं आता यार, एकदम समझ में नहीं आता। बट दैट्स हिज स्टाइल, यही चीज लेके आता यार, यही अलगपन लेके आता है एमसी स्टैन अपने गानों से। चलो स्टार्टिंग द वर्ड्स विद द फर्स्ट पार्ट, बीफ कर रहा स्टैन के साथ, कुत्ता बना रहे। तो यार हम वो आर्टिस्ट नहीं है जो बीफ को बस अपने यार ऑडियो प्लेटफॉर्म या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म तक रखे। तो हमारे साथ अगर तू बीफ कर रहा है तो हम सामने वाले को कुत्ता बना के रख रहे हैं मेरे भाई। तो सोच समझ के आओ, सोच समझ के। If you're a stand, you're a good to be a Then on good to be a dancer, banare. Chajok me choke, she let you look chale. Pisha mere bas hai, humne sang hamare. Chis ne ye bola, usko gaib kar dale. Aaj se man dhul le le, uske ghar wale. Call gaya, upar se par badne aare. Attention, mang dal, attention de rane. भाई साहब, look at that lyrics यहाँ पे। भाई बोल रहा है जिसने ये बोला उसको गायब कर डाले, पीठ पीछे बसते हमने स्टैन को मारे। तो ये जो लौंडे है वो मेरे पीठ पीछे बोलते कि हमने स्टैन को मारा है यार, और जिन्होंने ये बोला उनको अपन ने गायब कर दिया, उनके घर वाले हमारे आगे पैर पकड़ रहे हैं। यार छोड़ दो, जो भी करना है कर लो, लेकिन यार इनको अब जाने दो। भाई स्टाफ फुल गैंगस्टर बाजी चल रही है यहाँ पे, फुल गैंगस्टर बाजी। मेरे बस हमने सांग मारे, जिसने ये बोला उसको गायब कर डाले, आज से मन भूल ले उसके घर वाले, कॉल गया ऊपर से पर बने आ रहे, अटेंशन मांगता था टेंशन दे डाले, सिंचे में रुक अटेंशन मांगता था टेंशन दे डाले, कॉल गया ऊपर से पर बने आ रहे, अटेंशन मांगता था टेंशन दे डाले, सिंचे में रुकने का सामान लगा के, तू मेरे को मारने आ रहा पाउडर लगा के, तू मेरे को मारने आ रहा पाउडर लगा के, ओके स्नॉट मार के तू इधर आ रहा है, में रुकने का सामान लगा के, तू मेरे को माने आ रहा पाउडर लगा के, तू मत हमको बोल हम लोग आते, तू बोलते कैसे के कसम के लगा के, सोचा मैं छोड़ दूँ।
भाई साहब, ये जो ऐसी चीज है, ये जो ट्रैक बनाया हुआ है ना, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करने बैठूं तो ये 2 मिनट की वीडियो अराउंड 20 मिनट 25 मिनट फॉर श्योर जानी ही है। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे यार, हम वो काम नहीं करेंगे, हम बस गाना सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो, तू मत आ, तू हमको बोल, हम लोग आते। यार तुझे जरूरत नहीं है हमारे पास आने की, तुम्हें जरूरत नहीं है हमें आगे पीटने की, तू अपना एड्रेस बोल दे, हम तेरे पास आ रहे हैं, जो लफड़ा है खत्म करते एक बार में यार, लेट्स एंड दिस बीफ देयर। भाई अलग ही बाजी चल रही है यहाँ पे, अलग ही गैंगस्टर वाइब मिल रही है। तू मत आ, हमको बोल, हम लोग आते, तू बोलते कैसे के कसम के संग आगे, सोचा मैं जोड़ डालू बनाने का गाने, मेरे साथ रेड चले रु तू जा गाड़े, बोलते कई झगड़े में बोलते को मारे, कोई जा मत बोला तो फिर भी कोई जा, एड्रेस दे रही है छीनल के बारे, हरम का काका के हो गए जाने, कर में उसके हम लोग ने किसको तो मारे, बड़ा मेरा हो गए लगे ने लोग आने, शोरी गए गए मेरे गारे में गारे, भाई बोलते पंडल में बार मारे, लोविंग डक के उड़े जाने, क्यों मेरा मार गए जाने, हम आपको बोरे आए लोग ने मारे, इस में को बना डाले आर्टिस्ट बना के, आज को मैं ले गया रहा घर से उठा के, That's what he's talking about. कि डिसेंट मेरे को बना डाले आर्टिस्ट बना के, ऑप्स को तो लेके आ रहा घर से उठा के। यार अब मैं आर्टिस्ट बन गया, अब लोगों की नजरें मेरे ऊपर है, लोग मुझे आइडियल मानते हैं, तो अब मैं थोड़ा शरीफ बन गया, वरना ये जो लौंडे है जो इतने उछल रहे हैं, इन्हें तो मैं घर से लाके पीटू, मेरे भाई इन्हें घर से लाके मैं पीटू। आर्टिस्ट बना के उसको मैं लेके आ रहा घर से उठा के, देख रहा तू ले चाटे, इसलिए सामान निकाले, कमर बोल रहा था सिर में क्यों डाले, पुलिस पे क्या रीजन, किसके लिए हमारे, सीन देख रहा हूँ मैं इन्हें बोल रहा जाके यार थोड़ा मुक्का, बस मुक्का मारना, धक्का वक्का कर देना, इन्होंने सीधा भाई डाल दिया अंदर, सिर पे डाल के यार है सीधा। तो भाई जो हमारे होमीज है ना, काफी ज्यादा खतरनाक है, निकाले मुक्का मार, बोल रहा था सिर में क्यों डाले, पुलिस पे क्या रीजन, किसके लिए हमारे, कर देगा है तो विषय कर डाले, सेलिब्रिटी बन गए ला भूल गए सजा, किस करना स्टैंड हो भाव देगा वो, भाव ने लोड देगो गाओ देगा वो, बात कर रहा That was good. डिस्कर स्टैन को भाव देगा वो, भाव नहीं डैश तेरे को घाव देगा वो, ये मुझे लग रहा है मेस मोस्ट प्रोबेबली शायद हेलेक के लिए हो सकते हैं, बिकॉज फ्यू डेज बैक हेलेक का एक ट्रैक आया था जिसका नाम था एड आउट, उसमें उसने एमसी स्टैन के बारे में बहुत बहुत ज्यादा कुछ बहुत कुछ बोला था। तो यहाँ पे भाई बोल रहे हैं डिस्कर ने स्टैन को भाव देगा वो, तो स्टैन को अगर सोच रहे कि डिस्कर के स्टैन की तरफ से तुझे भाव मिलेगा, भाई तू बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, तुझे भाव नहीं, तुझे सीधा घाव मिलेगा मेरे भाई, कम ऑन। किस करना स्टैंड हो भाव देंगे वो, भाव ने लोड देखो गाओ देंगे वो, बात कर अच्छे से हाथ मत जोड़, लेके सी बैड वॉइस लो, बैग नहीं रहेगा तो तू मेरा दोस्त, तेरी इंद्री क्यों मांगी भाई तुमको, विषय मेरा चालू जरा समझ के लो, पेड़ी के लेने का बचपन में वो, एड्रेस ने दे रही है छीनल के पर, हम का काका के हो गए जाने, कर में उसके हम लोग ने किसको तो मारे, बड़ा मेरा हो गए लगे ने लोग आने, शोरी गए गए मेरे यार में गाने, भाई बोलते मंडल में बार मार गाने, ये बचा नहीं क्यों मेरा मार गाने जाने, हम आपको बोल रहे हैं लोग। Just look at the kind of sound that he bring on, भाई मतलब he's introducing a new sound to the desi hip hop scene. ऐसा बोलोगे कि बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा चीज, but the kind of quality that MC Stan is bringing, ये थोड़ी अलग लेवल की। और ये ट्रैक ऐसा नहीं है कि he's giving some life lesson, अपने बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बात थोड़ी है haters की, यहाँ पे बात थोड़ी है उन लौंडों की जो भाई उछलते हैं मेरे, मतलब मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बोलते हैं, उछलते हैं और मेरे से बीफ करने मांगते हैं। यार बीफ करके तुम नहीं सकोगे मेरे साथ मेरे भाई, सीधा हम ठोकते हैं भाई। ये वो सीन नहीं है कि अब आर्टिस्ट है लोग देख रहे हैं तो हम अभी डिसेंट हो गए, लेकिन अगर पहले वाला स्टैंड होता तुम मेरे बारे में कुछ बोलते सीधे जाके तुम पे वार होता। दिस इज डोप मैन, दिस इज डोप। हार्ड, एक शब्द हार्ड। हार्ड यार, हार्ड एक शब्द में अगर बोले तो हार्ड। एंड यहाँ पे भाई बोल दिया है कि एमसी स्टैन इट नो समवन यू गोना फक विद, बिकॉज़ ब्रो ही गोना फक यू अप, मेरे भाई ही गोना फक यू अप। बहुत हार्ड ट्रैक था, अगर इसको ब्रेक डाउन करने लिटरली अगर बैठते ना काफी ज्यादा टाइम लग जाता, ये 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो कम से कम 20-25 मिनट लग जाता, बट वी आर हेयर टू एंजॉय, वी आर हेयर टू जस्ट रिएक्ट ऑन द ट्रैक। और यार मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया, फिर भी कुछ कुछ बार्स थे जो मैं लिरिक्स खोल के रखा था समझ में आ रहा था तो लिटरली बोल दे रहा था, अगर लिरिक्स नहीं खोल के रखता
भाई कुछ समझ नहीं आता। बीच के कुछ सीन थे जो बहुत ज्यादा भाई अलग ही वाइब में लेके जा रहे थे, हम बस वाइब करते, हम लिरिक्स समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे लिरिक्स खोल लिया तो काफी सही हो गए यार। एक बार वापस सुनते हैं और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, उसके बारे में गाने के बारे में बात करते हैं और भाई के बारे में बात करते हैं। सो पहले एक बार वापस सुन लेते हैं विदाउट एनी पॉज, बिकॉज वीडियो में मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा पॉज कर लिया मेरे भाइयों, तो उसके लिए माफी, बिना पॉज का सुनते हैं। चलो इसको पहले क्लोज करते हैं, मेरा योर विंडोज लाइसेंस विल एक्सपायर सून, कर दो एक्सपायर ब्रो, फक यू, लेट्स स्टार्ट। क्या हो गया यार, क्लोज करो इसको, हो जाओ भाई, अब मुझे लिरिक्स की जरूरत नहीं। दे रही है चैनल के बारे हरम का काका के हो गए जाने, कर मुझे हम लोग ने गेट को तो मारे, अड़ा मेरा हो गए लगे ने लोग आने, शोई हो गए मेरे हार में गाने, मैं वैसे मंडल में वार मार गया, ये बचाने क्यों मेरा मार गया जाने, हम आपको बोरे आए लोग ने मारे, इस गेरे स्टैंड के साथ गुत्ता बना रहे, बिन उनको टोपी के डांसर बना रहे, छह चौक में छह कुछ लड़की लोग चाले, पीछे मेरे बस है उन्हें सांग मारे, जिसने ये बोला उसको गायब कर डाले, आज से कौन भूल ले उसके घर वाले, कॉल गया ऊपर से पर पड़ने आ रहे, हर टेंशन मंगता था टेंशन दे रहे, सीजन में रुकने का सामान लगा के, तू मेरे को मान आ रहा पाउडर लगा के, तू मत हमको बोल हम लोग आते, झूठ बोलते कैसे क्या कसम के संग आके, सोचा मैं झूठ डालू बनाने का गाने, मेरे साथ रेड चले रू तू जा गाड़े, बोलते गए झगड़े में बोलते को मारे, खोजा मत बोला तो फिर भी खोजा एड्रेस ने दे रही है छीनल के बारे, हरम का काका के हो ले जाने, कर मुझे हम लोग ने किसको तो मारे, बड़ा मेरा हो गया लगे ने लोग गाड़े, शोई है तो मेरे हाल में गाने, मैं वैसे मंडल में वार मार गया, ये बचाने क्यों मेरा मार गया जाने, हम आपको बोरे आए लोग ने मारे, इस समय को बना डाले आर्टिस्ट बना के, उसको मैं ले गया घर से उठा के, फिर को देख रहा तो ले उससे चाटे, डस के हमें को इसलिए सामान निकाले, मुक्का मार बोला था सिर में क्यों डाले, पुलिस पिछ रही क्या रीजन किसके लिए मारे, फिर दगाया था विषय कर डाले, सेलिब्रिटी बन गए ला भूल गए से जाने, किस करना स्टैंड हो भाव देंगे वो, भाव नहीं लोड देखो गाओ देंगे वो, बात कर अच्छे से हाथ मजोड़, वॉइस लेके सी बैड वॉइस लो, बैग नहीं रहेगा तो तू मेरा दोस्त, तेरी क्यों मांगी भाई तुमको, विषय मेरा चालू जरा समझ के लो, पेड़ी के लेने का बचपन में वो एड्रेस ने दे रही है छीनल के बारे, हरम का काका के हो गए जाने, कर मुझे हम लोग ने किसको तो मारे, बड़ा मेरा हो गए लगे ने लो गाने, शोई है तो मेरे हार में गाने, मैं वैसे मंडल में वार मार गया, ये बचाने क्यों मेरा मार गया जाने, हम आपको बोल रहे हैं लोग मारे, हिंदी मातृभाषा। Bro, this was dope. This track was dope. Let me just एक बार डिस्क्रिप्शन मेरे को चेक करने, तो किसने इसकी बीट प्रोड्यूस किया, लेट मी चेक इट वंस, आर्टिस्ट MC Stan, बस आर्टिस्ट लिखा हुआ है और कुछ नहीं, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज लेट मी, मैं आगे आ गया क्या, अच्छा देजा वो चलने लगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, यस लेट्स पॉज इट हियर, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करते हैं, अच्छा बस आर्टिस्ट MC Stan कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस MC Stan अपना बीट खुद प्रोड्यूस करता है ब्रो, जितना चीज खुद से हो सके वो भाई खुद से कर लेता है, एंड वी हमेशा भी बात करते हैं कि MC Stan एज अ रैपर, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा MC Stan एज अ बीट प्रोड्यूसर, यार वन ऑफ द बेस्ट बीट प्रोड्यूसर इन देसी हिप हॉप, बंदा यार कैसा ही साउंड लेके आता है और क्या ही अमेजिंग साउंड लेके आता है, तुम अगर लिरिक्स को छोड़ दो यार, मुझे लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं देना, तुम बस गाने सुनो, तुम बस वाइब करते रहो, एंजॉय करते रहो, और ये एक ऐसा ट्रैक है ना, दिस इज समथिंग वो भाई खुद के लिए है, ये लोगों के लिए नहीं, ये खुद के लिए है, जो हमसे एड़े चले करने आ रहे यार मत आओ, मर जाओगे मेरे भाई, मत आओ यार हमारे पास मत आओ, अमेजिंग ट्रैक, मजा आ गया सुन के, लिटरली मजा आ गया, और बर्थडे ड्रॉप था ये तो भाई फुल चीड़ फाड़, ये गाना खुद के लिए था भाई का। तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और इन फ्यूचर तुम्हें पता है मेरे भाई MC Stan पे ट्रैक आएगा, भले भी तुम्हारे भाई का कितना भी काम रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई तुम्हारा रिएक्शन लेके आएगा। तो चलो मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।